जी कम बैक सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई म्यूचुअल नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई म्यूचुअल फंड राइट देखो हमने पहले आपके साथ बात की सीखा कि अगर आप अगर आप एफ डी में इन्वेस्ट करते हो सो डैट इज द बिग डिस्ट्रॉयर ऑफ द वेल्थ हमने आपके बाद बात की एफ डी में पांच परसेंट छः परसेंट से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलती है एंड पाँच छः परसेंट तो इन्फ्लेशन भी नहीं है इन्फ्लेशन भी देखोगे तो वो भी सिक्स परसेंट सेवन परसेंट होता है तो बेसिकली एफ uh, में इन्वेस्ट करने पर आपकी परचेजिंग पावर जो है वो लूज़ करती है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के, के बारे में बारे में बात करें तो आपको हो सकता है कि आठ से ग्यारह परसेंट दस परसेंट का रिटर्न मिल जाए राइट right? बट इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं है इसके बाद रियल एस्टेट नेक्स्ट ऑप्शन अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आजकल तो स्कोप बहुत कम है हाँ अगर आप बहुत बहुत एक्सपर्ट हो रियल एस्टेट के तो ही आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर कि वैल्यू कम हो और आने वाले समय में इंक्रीज हो पाए अदरवाइज़ जनरली आजकल तो मुश्किल है राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक मार्केट तो ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में जो कि बाकी जगह पर नहीं है देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर तो डोंट नो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या है देखो स्टॉक मार्केट बेसिकली बनता किससे है स्टॉक मार्केट जब भी हम बोलते हैं ना तो उसमें दो तरह की एक्सचेंज होती हैं वन इज़ एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेकेंड इज़ बी एस सी मतलब जो बहुत बड़ी एक्सचेंज हैं वो दो ही हैं एक एन है बी एस सी है एन एस सी ने अपना एक एक इंडेक्स मार्केट में लॉन्च किया हुआ है इसको हम बोलते हैं निफ्टी

इनमें से 50 कंपनी कौन कौन सी हैं आपने एक 70-30 रूल हमेशा लाइफ में देखा होगा सुना होगा 70 70-30 क्या होता है कि सिर्फ 30% प्रोडक्ट वो जो परसेंट होती है, है। बाकी सभी के सभी 70% परसेंट प्रोडक्ट की वैल्यू 30% परसेंट होती है एंड वी हैव टू कंसनट्रेट मोर ऑन द 30% प्रोडक्ट विच हैज वैल्यू ऑफ सेवेंटी परसेंट राइट तो यहां पर भी ऐसा ही है कि यहां पर कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के 70% परसेंट से ज्यादा हिस्से को डिवोट डिनोट कर, करती हैं नाम आपने सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी 50 का पार्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निफ्टी 50 का पार्ट एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक निफ्टी 50 का पार्ट एच डी एफ सी निफ्टी फिफ्टी का पार्ट आई टी सी आई टी सी कंपनी निफ्टी फिफ्टी का पार्ट इसके अलावा एच यू एल हिंदुस्तान यूनिलीवर, निफ्टी फिफ्टी का पार्ट रिलायंस की अगर हम अकेले की बात करें तो इसकी मार्केट कैप जो है वो पंद्रह लाख करोड़ से प्लस है ज़्यादा है टी सी एस टी सी एस की बात करें टी सी एस अपने आप ने इसकी मार्केट कैप मतलब शेयर uh, होल्डर्स की जो वैल्यू है फाइव फिफ्टीन लाख करोड़ के आसपास है राइट right? रिलायंस uh, में टी में हमेशा दौड़ लगी रहती है कि कौन में कौन वैल्यू जो है ज़्यादा मार्केट में शो करता है राइट एंड एंड सो ऑन। तो ऐसी कितनी कंपनीज बताई गई हैं कुल पचास राइट right? इन पचास कंपनीज को मिलाकर इन 50 टॉप कंपनीज को मिलाकर क्या बना है निफ्टी फिफ्टीज आप कहोगे नहीं सर हमें तो आप गूगल पे बताएं तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक बताएंगे निफ्टी फिफ्टी कंपोनेंट्स राइट तो क्या ये निफ्टी फिफ्टी कंपनी जितनी भी अभी आपको शो हो रही हैं क्या ये हमेशा हमेशा यही रहती हैं नो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं इसमें कोई शक नहीं है देखिए हम आपका निफ्टी फिफ्टी की पचास कंपनीज आ गई हैं बजाज ऑटो हिंदुस्तान यूनिलीवर मारुति हिरो मोटो कोप एच बैंक एच नेस्ले इंडिया हिंडाल्को टी सी एस ब्रिटानिया एनसोन so आप अपने आप से पढ़ते रहना राइट right. तो ये पचास कंपनीज हैं ये पचास कंपनीज की अगर हम मार्केट कैप को टोटल कर देंगे ना देन यू विल फाइंड आउट द मार्केट कैप ऑफ द होल इंडिया मतलब इंडिया की टोटल मार्केट कैप को मार्केट uh, कैप का मतलब क्या होता है मार्केट कैप का मतलब होता है लाइक जब हम बोलते हैं मार्केट कैप दिस नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज मार्केट कैप मार्केट कैप राइट नंबर्स ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर मान लो रिलायंस कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर हैं सौ करोड़ ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं राइट right. और मार्केट प्राइस चल रहा है दो हजार का राइट right. तो अब हम कहेंगे कि मार्केट कैप ऑफ द रिलायंस कंपनी इज टू लैख टू लैख सीआर मार्केट कैप राइट अगर ये सो नहीं है अस से <coughs> ये uh, पाँच सौ हैं सो मार्केट कैप ऑफ द रिलायंस कंपनी विल बी टेन लाख करोड़ तो इस तरह से मार्केट कैप फाइंड करते हैं सो so, ये पचास कंपनीज जो अभी कंपोनेंट्स ऑफ द निफ्टी हैं इन मार्क, इन पचास कंपनीज की मार्केट कैप का जो अगर हम टोटल करेंगे तो पूरी इंडिया की मार्केट कैप का सेवनटी एट्टी परसेंट आता है मतलब बाकी सब कंपनीज जो है वो टेन ट्वेंटी परसेंट में चली जाती हैं तो वी हैव टू कंसंट्रेट मोर ऑन दिस निफ्टी फिफ्टी कंपनीज राइट right. और टाइम टू टाइम सिक्योर एन एस सी जो है <coughs> अपने कंपोनेंट्स को मतलब इन कंपनीज को चेंज करता रहता है जब देखता है कि ये कंपनी परफॉर्म कम कर रही है और कोई दूसरी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है तो एक कंपनी जाती है दूसरी कंपनी <coughs> आती है एंड सो राइट अभी फिलहाल ये वाली कंपनीज है मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ देखो निफ्टी फिफ्टी को ही हम लोग मार्केट बोलते हैं राइट right. ऐसे ही जैसे कि एनएससी के अंदर निफ्टी पचास कंपनीज हैं बी के अंदर कितनी कंपनीज हैं आपको मैंने बताया नहीं बताया बी के अंदर सेंसेक्स के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ कंपनीज हैं थर्टी राइट एंड मोर लेस इसी पचास में से तीस कंपनीज यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर है राइट right. तो इसके जो मार्केट कैप है वो भी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ द होल ऑफ द इंडिया के बराबर है राइट सो व्हेन वी आर सेइंग मार्केट सो बेसिकली जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द निफ्टी फिफ्टी एंड सेंसेक्स राइट और हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर निफ्टी फिफ्टी या सेंसेक्स का जो है एक अपनी एक वैल्यू होती है और ये वैल्यू जो है डिपेंड करती है इन 50 कंपनीज के टोटल मार्केट कैप के ऊपर मान लो टोटल मार्केट कैप ऑफ द 50 कंपनीज जो है आज हो गया है लेटेस्ट से ऐसे ही एग्जांपल के फॉर्मेंट में मैं बोल रहा हूँ मान लो आज के डेट में हो गया है टू थाउजेंड पंद्रह सो पंद्रह लाख चलो टू थाउजेंड लाख करोड़ ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने राइट अगले दिन हो गया है लडस से ट्वेंटी वन हंड्रेड लाख करोड़ तो क्योंकि ये वैल्यू टोटल मार्केट का बढ़, बढ़ जाता है तो इसलिए निफ्टी की वैल्यू भी आ, इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाती है ठीक है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको उसका रीज़न ये है कि हमारा निफ्टी फिफ्टी का एक चार्ट है जो कि आपके पास आपके स्क्रीन पर आपको विजिबल है राइट तो यहाँ पर आप निफ्टी फिफ्टी के आप चार्ट को देखिए एंड यू विल फाइंड आउट कि निफ्टी फिफ्टी की जो वैल्यू है निफ्टी फिफ्टी के चार्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रही है राइट right. मैंने ये ऑल टाइम का निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है निफ्टी फिफ्टी का सबसे पहले यहाँ पर जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है दैट इज़ फर्स्ट नवम्बर नाइनटीन फर्स्ट नवम्बर नाइनटीन आप नीचे की तरफ डेट देख देख सकते हैं दिस इज़ फर्स्ट नवंबर 1995 और यहाँ पर जो है 880 एट्टी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आप जो है इसकी वैल्यू देख सकते हैं नीचे की तरह आप जो है डेट देख सकते हैं राइट अब इसके बाद 1995 के बाद ये जो है इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज एंड सोन एंड ऑन और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा और ये इस तरह से चलते 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 जो वैल्यू पहले एट एट हंड्रेड समथिंग की थी वो वैल्यू आज के टाइम में आ गई है दैट इज सेवनटीन थाउजेंड सिक्स वन सेवन नाइनटीन में जो वैल्यू मोटा मोटा मैं वन थाउजेंड ले लेता हूँ तो वन थाउजेंड की जो वैल्यू नाइनटीन सिक्स में थी अब वो वैल्यू आज के डेट में आ गई है बेसिकली बेसिकली सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो हजार जो है वो सत्रह हजार छह सौ कुछ हो गया है तो कितने गुना सत्रह अठारह गुना राइट right. ये जो तो सत्रह अठारह गुना हो गया है वो कितने ईयर्स में हो गया है अब आप ये देखिए यू विल फाइंड आउट नाइनटीन मोटा मोटा हजार एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मोटा मोटा चलो ट्वेंटी टू मोटा मोटा सत्रह हजार छः सौ

पैसा कर पाया है इफ द आंसर इज यस देक्स्ट क्वेश्चन इजा क्यों ऐसा क्या हुआ है निफ्टी के अंदर देखिए सर इंडिया इज इस एन इसी चार्ट को एक दूसरे फॉर्मेट में एक सिंगल लेके आ रहा हूं दो हजार दो से ये हमारा चार्ट है क्योंकि सिंगल स्क्रीन के ऊपर इतना बड़ा चार्ट आ नहीं पाता इसी रीजन से ये यहाँ तक चार्ट दिख रहा है होता क्या है देखो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर बहुत कुछ होगा कांग्रेस भी आई होगी बीजेपी भी आई होगी और इसके अलावा अकाल भी आया होगा बाढ़ भी आई होगी है ना गुजरात के राइट्स भी हुए होंगे उसके अलावा इसी पीरियड के अंदर इसी समय के अंदर <coughs> बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के आमने सामने भी हुई होंगी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई भी हुई होगी एंड सोन उसके बावजूद भी ये जो मार्केट है वो लगातार ऊपर जाता जा रहा है नीचे आता है फिर ऊपर जाता है नीचे जाता है तो ये जो ऐसा क्या है रीज़न इज़ ओनली वन दैट इंडिया इज़ ए डिवेलपिंग कंट्री और जो भी डेवलपिंग कंट्री अगर डिवेलप हो रही है तो उस कंपनी के बिजनेस को तो बढ़ना ही बढ़ना है वेरी सिंपल आई रिपीट अगेन इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो बिजनेस होंगे वो तो बढ़ते ही रहेंगे अगर बिजनेस बढ़ते रहेंगे तो इंडिया के मार्केट कैप यानी कि निफ्टी को भी आ, बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी इन्हीं कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है तो जब ये कंपनीज इंक्रीज होती हैं, वैल्यू इंक्रीज होती है बिजनेस इंक्रीज होता है तो हमारे पैसे भी बढ़ते जाते हैं राइट? सो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इंडिया के डेवलपिंग का ये लगातार आप सोचिएगा जब आप छोटे होते थे जब आप छोटे होते थे तो आपके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था क्या इतनी डेवलप सड़कें होती थी या इतने डेवलप जो है रोड्स रोड्स हो गया एंड फ्लाईवर्स हो गया या छोटो ना टीवी हो गया लैपटॉप हो गया आपके जो कनेक्टिंग थिंग्स हो गए यानी कि पहले जो फ़ोन कॉल करते थे उसका उसका जो कॉल का रेट था वो क्या था और आज के डेट में कॉल फ्री हो रहे हैं अब हम डेटा को हम डेटा बोलते हैं कि डेटा के बेसिस पर टेलीकॉम सेक्टर आगे चल रहा है डेटा इज अ न्यू ऑयल रिलायंस मुकेश अंबानी जी बोलते हैं राइट मतलब ये आज है पर इससे पहले आप पीछे अपने आप को देखो दस साल पहले आसपास का एनवायरमेंट क्या था और अब आप ये सोचो आने वाले दस साल के बाद एनवायरमेंट क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मार्क में बहुत रफ्तार से काम कर रही है फाइव जी बहुत रफ्तार से काम कर रहा है रोड ये बात की जा रही है कि जो कार होंगी वो ड्राइवर लेस होंगी ये बात की जा रही है कि सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास चलेगा तो मार्केट के अंदर बिजनेस ग्रो होंगे जब बिजनेस ग्रो होंगे तो निफ्टी की 50 कंपनीज भी ग्रो होंगी राइट right. और इसी बेसिस पर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि फ्यूचर में हमारी रिटर्न टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी किसी एक म्यूचुअल फंड की बात करते हैं मैंने यहाँ पर टू थाउजेंड में एक्सेस इक्विटी फंड के बारे में बात की थी आज भी वही बात कर रहा हूं एक्सेस इक्विटी फंड राइट देखो 2016 में ये कहां पर एनएवी थी Uh, this was forty-five. This was thirty-nine in two thousand sixteen. Thirty-three something. Or, today's date, mein, it has an of uh, seventy-two. Double, triple, double, basically. ना डबल से थोड़ा सा ज्यादा राइट सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस फंड मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा रिकमेंडेड फंड आई एम नॉट अबाउट दिस मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि फंड्स जो हैं बेसिकली निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जब निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज इंक्रीज हो होंगी तो ऑब्वियसली ये फंड्स भी इंक्रीज होंगे तो कोई भी फंड उठा लो मतलब अगर आपने सिलेक्शन uh, किया है अच्छा तो वो जो फंड होगा वो आपको कमा के देगा देगा मीन्स आपको बेनिफिट हुआ ही होगा राइट right? पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे भी uh, ऐसा होता रहेगा अगेन द सेम थिंग कि इफ यू थिंक दैट इंडिया विल डिवेलप इन फ्यूचर देन बिजनेस ऑफ द इंडिया विल बी डिवेलप्ड इन फ्यूचर एंड योर म्यूचुअल फंड्स विल गिव यू द गुड पॉजिटिव रिटर्न फॉर द फ्यूचर राइट एज पर द पास्ट अगर हम पास्ट को देखें तो म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक मार्केट जो है ऑन एन एवरेज मतलब एक जो सबसे हल्का म्यूचुअल फंड अगर आपने सिलेक्ट किया है जो कि अच्छा नहीं है तो वो फंड आपको 12 से 15 परसेंट रिटर्न कमा के देता है पर एन एम पर एनएम राइट और ये 10 परसेंट और 15 परसेंट में कितना फर्क होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा समझेगा सुनिएगा एक हमने कैलकुलेटर निकाला हुआ है इसको हम लोग एस आई बी कैलकुलेटर बोलते हैं हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोग जो है एक साथ कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते स्मॉल थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेट अस जू राइट और आप आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अस से वेरी सिंपल छोटा सा अमाउंट लेके चलते हैं पाँच हजार रुपये का राइट right. जितने भी आपकी पॉकेट है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए पाँच सौ कीजिए हज़ार कीजिए पाँच हज़ार कीजिए पचास हज़ार कीजिए जो भी पॉकेट के अकॉर्डिंग अलाउ करे वो कीजिए बट एक एग्जांपल के लिए पाँच हज़ार रुपये का राइट right. और अगर ये पाँच का अमाउंट आप बीस सालों के लिए ट्वेंटी ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं याद रखिए वेल्थ हमेशा हमेशा लंबे समय में बनेगी <coughs> वारण बफर जी की जो वेल्थ है वो छोटे समय में नहीं बनी है दैट इज़ ऑलवेज इन बिगर टाइम से आप सर्च कीजिएगा ठीक है मैं इसको 20 साल 25 साल 30 साल लेके चलता हूँ लेटर से ट्वेंटी फाइव ईयर्स राइट इस सिर्फ कैलकुलेटर आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा अच्छा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं कि गोल्ड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर आपको 9% परसेंट का रिटर्न मिल जाता है तो नाइन परसेंट का रिटर्न पाँच हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं पच्चीस साल के लिए तो आपने पंद्रह लाख ,00 रुपए इन्वेस्ट किया है और आपको मिल जाता है फिफ्टी सिक्स लैक फोर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी टू रुपीज राइट आर यू सेटिस्फाइड और नॉट आई डोंट नो राइट बट सपोज करो कि, कि स्टॉक मार्केट अगर पिछले पास्ट ईयर के कंपेरिजन के अकॉर्ड हम देखें कि पास्ट ईयर में अगर 15 परसेंट देती आई है और मान के चलने की अगले 25 साल भी पंद्रह परसेंट रिटर्न देती रहेगी एज्यूम डेट राइट सेम फाइव थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी फाइव सेम एंड एवरी थिंग वो हो जाता है आप आइडेंटिफाई कीजिए कितना ये वन करोड़ सिक्सटी फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड थ्री सिक्सटी नाइन सो जो कितना फर्क था नाइन परसेंट एंड फिफ्टीन परसेंट में कहोगे सर क्या वाकई में इतना पैसा हो सकता है यस yes, सर बिल्कुल हो सकता है प्रोवाइडेड यू हैव पैशन यू हैव विजन यू हैव गोल इन यूर माइंड राइट ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्टी फोर्टी परसेंट रिटर्न आया म्यूचुअल फंड का आपने विड्रॉ किया और हो गया बात खत्म नहीं वारुम वफी साहब भी जो रिच हुए हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट में मतलब सिक्सटी uh, के बाद ही रिच हुए हैं राइट right. अगर आप इसी पैसे को पच्चीस साल नहीं बल्कि पांच हजार रुपए का अमाउंट जो है वो पैंतीस साल के लिए इन्वेस्ट करें पैंतीस साल के लिए तो यही वो ही पैसा जो है आपका थ्री करोड़ फिफ्टी लाख फोर्टी नाइन वन जीरो थ्री हो जाता है राइट सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट राइट सो वट हेयर आई मीन टू से मेरा आपको सिर्फ कहने का मतलब ये है कि छः परसेंट की एफ डी पाँच हज़ार रुपये के महीने के हिसाब से और नौ दस परसेंट का एवरेज गोल्ड और पंद्रह परसेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है बहुत बड़ा फ़र्क है सो so, अगर आप मार्केट के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मीन्स अगर आप मार्केट के रिस्क को लेने की कैपेसिटी रखते हैं then you must have to go with the stock market. You must know कि भैया मार्केट में रिस्क है क्या मार्केट में रिस्क है कि अगर पूरी मार्केट डाउन जाएगी पूरा बिजनेस इकोनॉमी डाउन जाएगी कोरोना आएगा या एक्स वाई जेट कोई भी रीजन के कारण से इकोनॉमी डाउन जाएगी तो ये पैसा माइनस में हो जाएगा बट ये ही वो समय होता है जहां पर कि आप एस आई पी के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें और एक बड़ा अमाउंट फॉर्म कर पाए राइट right. सो दिस इज द रीजन वाई यू शुड हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड दिस इज अ रीज़न की स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न लेने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए इसके लिए हमने एक एस का वीडियो बनाया हुआ है वो वो वीडियो आप जरूर जरूर देखें कि लमसम कब इन्वेस्ट करना चाहिए और एस कब करना चाहिए राइट right.